इधर देखिए, और बैक जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, एक दो तीन। तो गाइस यार मुझे पता है आप लोगों ने दिलराज भाई की स्टूडियो टूर वाली वीडियो ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर हुई और बहुत ही अच्छी उस पर व्यूज़ आए, बहुत देखने मज़ा आया, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। उन्होंने एक लाइन उसमें बहुत ही बढ़िया की, जिस खून में जोश नहीं वो साला खून ही। मुझे पता है आप लोगों ने से बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी स्टूडियो टूर वाली, पार्ट वन भी बहुत बढ़िया था, पार्ट टू भी बहुत बढ़िया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके एक सीक्रेट रूम के बारे में, जो कि उन्होंने पार्ट टू के अंदर बताया है वीडियो के बीच में, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, चलिए अब शुरू करते हैं। कारें खड़ी है गाइस, ये एक सीक्रेट रूम है, ठीक है। ये सीक्रेट क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिलराज भाई, तो आपने पूरी वीडियो ख़त्म कर दी पार्ट टू की, लेकिन आपने इस सीक्रेट रूम के बारे में नहीं बताया, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सीक्रेट रूम क्या हो सकता है ये हम गेस कर सकते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं सीक्रेट रूम क्या हो सकता है, या फिर हम दिलराज भाई को कहेंगे कि यार आप ही एक वीडियो बना दीजिए स्पेशल और बता दीजिए हमें इस रूम में क्या है, क्योंकि आपने इसमें बहुत ही सस्पेंस बढ़ा दिया है और सब लोग ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो हम कह सकते हैं कि इस रूम में हो सकता है दिलराज भाई का कोई बहुत ही ज़रूरी सामान, जो कि हमें बता देंगे अगले पार्ट बनाकर। और अगर नहीं बताते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, बाहर फायर स्ट्रीमर रखा हुआ है, यानी कि अंदर कोई बहुत ही कमाल की चीज़ है। या फिर दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है तो आप लोग बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और आप दिलराज भाई के उस पार्ट टू में वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि ये सीक्रेट रूम में क्या है, इस पर वीडियो बनाओ। तो मुझे लगता है वो वीडियो बना देंगे, और बनाते तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आई होप ये छोटी सी वीडियो आप पसंद आए, ज़रूर आए होंगी। पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ये एक सीक्रेट रूम है, ठीक है। ये सीक्रेट क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा।